भागलपुर में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि उसे पुलिस प्रशासन का कोई भय नहीं रहा। आए दिन बम धमाके, लूटकांड, गोलीकांड, मानो अपराधी खुलेआम पुलिस प्रशासन को चुनौतियां दे रहा है। आज फिर नाथनगर से एक मामला सामने आ रहा है। नाथनगर रेलवे स्टेशन के बाहर चाय दुकानदार गोपी कुमार को अपराधियों ने चाकू मारकर जख्मी कर दिया। वह बुरी तरह से घायल हो गया। आनन फानन में उसे इलाज के लिए मयागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना तब हुई जब गोपी कुमार अपने दुकान में बैठकर चाय बेच रहा था। इसी दौरान कुछ अपराधियों ने उसे पर हमला बोल दिया और सीने में चाकू मार दिया। घटना की जानकारी पाकर नाथनगर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की शिनाख्त में जुट गई। जख्मी गोपी कुमार काफ़ी डरा सहमा हुआ है, वहीं हमलावरों के बारे में कुछ नहीं बता पा रहा है और ना ही घटना का कारण खुलासा हो पा रहा है। कैसे हुआ गोपी? कैसे मारा आपको? मैं सील कर दिया। कौन मारा? गोपी, हम सुमित बोल रहे हैं, बताओ कौन मारा चाकू आपको? जर्गिन दवाई करती है। ऐसे ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।